कुछ मुक्तक हैं जो देश के वर्तमान हालात पे मैंने कोशिश की है कहने की, जो देश के वर्तमान हालात हैं उस पर मैंने प्रयास किया है कि कुछ मुक्तक हो जाए। ये मैं सुनाता हूँ, सुनिएगा जैसा माहौल है। कि गफलत में नहीं होश में आओ तो बात हो, गफलत में नहीं होश में आओ तो बात हो, गांधी की तरह रोष जताओ तो बात हो, गफलत में नहीं होश में आओ तो बात हो, गांधी की तरह रोष जताओ तो बात हो, अपने वतन को फूंक करके क्या मिला तुम्हें, मिल्लत का एक चिराग जलाओ तो बात हो, अपने वतन को फूंक करके क्या मिला तुम्हें, मिल्लत का एक चिराग जलाओ तो बात हो। सुनेगा कि जो लोग भ्रम फैला रहे हैं एनआरसी आएगा मुसलमानों को देश से निकाल दिया जाएगा, मैं कहता हूं किसी की औकात नहीं है जो मुसलमानों को निकाल दे देश से या हिंदुओं को देश से निकाल दे, या ये हिंदू और मुस्लिम दोनों का देश है। मैं चार लाइनें पढ़ता हूं कि चैनो अमन की राह में हर काम का दुश्मन, चैनो अमन की राह में हर काम का दुश्मन, रहमान का दुश्मन है वही राम का दुश्मन, चैनो अमन की राह में हर काम का दुश्मन, रहमान का दुश्मन है वही राम का दुश्मन, मुद्दा गलत बता के लड़ा रहा है, मुद्दा गलत बता के लड़ाया गया हमें, वरना यहाँ पे कौन है इस्लाम का दुश्मन, मुद्दा गलत बता के लड़ाया गया हमें, वरना यहाँ पे कौन है इस्लाम का दुश्मन, वरना यहाँ पे कौन है इस्लाम का दुश्मन। सुनिएगा ये जो शाहीन बाग का मसला है, मैं समझता हूँ कि सरकार की तरफ से किसी व्यक्ति को जाकर के बात करनी चाहिए, और शाहीन बाग के लोगों से कहता हूँ कि जिस तरह से शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे हैं करें, लेकिन सरकार को उन्हें एक मौका भी देना चाहिए ताकि आपस में बीच में बातचीत कर इस मुद्दे को सुलटाया जा सके। मैंने कहा कि किरकिरी आंख में हो गर तो काजल हो नहीं सकता, किरकिरी आंख में हो गर तो काजल हो नहीं सकता, भले चोला बदल ले मन तो उज्जवल हो नहीं सकता, किरकिरी आंख में हो गर तो काजल हो नहीं सकता, भले चोला बदल ले मन तो उज्जवल हो नहीं सकता, जब तलक तर्क संगत न्याय संगत बात न होगी शाहीन बाग का ये मसला हल हो नहीं सकता, जब तलक तर्क संगत न्याय संगत बात न होगी शाहीन बाग का ये मसला हल हो नहीं सकता। एक नई बात बताता हूं आप लोगों को, अभी थोड़े दिन पहले शर्जील इमाम का बयान आया था कि चिकन नेक से हम पकड़ के काट के तोड़ के आसाम को भारत से अलग कर देंगे, आसाम और हिंदुस्तान जिस छोटी सी पतली रेखा आपको दिखाई देती है भारत के मानचित्र में, हिंदुस्तान के बगल में आसाम दिखाई देता है और आसाम और हिंदुस्तान को जोड़ता हुआ, हिंदुस्तान में कह रहा हूं आसाम हिंदुस्तान के बाहर नहीं है, आसाम हिंदुस्तान का हिस्सा है, लेकिन आसाम शायद अरुणाचल से सटा हुआ है ना, वहां से जो बीच की जो आपको मानचित्र में रेखा दिखाई देती है हम उसे चिकन नेक कहते हैं, क्योंकि उसका इधर का भाग मुर्गे के धड़ के की तरह और इधर का भाग मुर्गे के सर की तरह दिखाई देता है, तो उसे चिकन नेक कहते हैं। एक नेता जो है जो मुसलमानों का तथा कथित नेता कहता है, किसी मुस्लिम को ने उसको अपना नेता नहीं माना है, किसी मुस्लिम संगठन ने नहीं माना है, वो आदमी खुद को मुसलमानों का लीडर और अपना जो भी वतन परस्ती अपना दिखाता हो जिस वतन के साथ, उस आदमी ने ये बयान दिया कि हम चिकन नेक से आसाम को तोड़ करके हिंदुस्तान को अलग कर देंगे। मैंने चार लाइनें लिखने की कोशिश की कि देश को तोड़ने जो भी आए अपनी मुंह की खाएगा, सुनना, देश तोड़ने जो भी आए अपनी मुंह की खाएगा, देश तोड़ने जो भी आए अपनी मुंह की खाएगा, मुर्गा कुकड़ू कुल बोले तो शेर कहां घबराएगा, देश तोड़ने जो भी आए, देश तोड़ने जो भी आए अपनी मुंह की खाएगा, मुर्गा कुकड़ू कुल बोले तो शेर कहां घबराएगा, और चिकन नेक में चिकन खिला के नेक दबाया जाएगा, चिकन नेक में चिकन खिला के नेक दबाया जाएगा, तब शर्जील इमाम देखना बाप बाप चिल्लाएगा, कोशिश की कि उसकी तरह से जो लोग हिंदुस्तान को तोड़ने का सपना
अपना देखते हैं उनके लिए चार लाइनें पढ़ता हूं और आप सबकी इससे भी जोरदार तालियां मांगता हूं। सुनिएगा कि हैसियत दो टके की और उस पे सोच उन्मा दी। हैसियत दो टके की, हैसियत दो टके की और उस पे सोच उन्मा दी। वो हमसे छीन के बंगाल या आसाम क्या लेंगे। हैसियत दो टके की और उस पे सोच उन्मा दी। वो हमसे छीन कर आसाम या बंगाल क्या लेंगे। जो कहता है कि हिंदुस्तान से आसाम काटेगा उसे भारत के सैनिक टुकड़े टुकड़े काट डालेंगे। उसे भारत के सैनिक टुकड़े टुकड़े काट डालेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, एक छंद हो गया है जिस तरह से आजकल जहां देखिए जिसे देखिए वो धरने पर बैठ जाता है और कुछ लोग धरने को बढ़ावा देने के लिए आ जाते हैं। उन्हें धरने को बढ़ावा देके मजा मिलता है, इन्हें धरना करके मजा मिलता है। जो वायरल वीडियो मेरे पास पहुंचे उन्हें देखकर मैंने एक छंद लिखने की कोशिश की। सुनिएगा कि नया रोजगार चला धरना प्रदर्शन वाला, बूढ़े बेरोजगारों को जवानी मिल जाती है। नया रोजगार चला धरना प्रदर्शन वाला, बूढ़े बेरोजगारों को जवानी मिल जाती है। ओ थमा के तिरंगा चाहे जो भी नारा लगवा लो, थमा के तिरंगा चाहे जो भी नारा लगवा लो, क्रांतिकारी होने की निशानी मिल जाती है। कि खेल कूद नाच गाना ढपली बजाना और खेल कूद नाच गाना ढपली बजाना और समा मनोरंजक सुहानी मिल जाती है। और काम धाम कुछ नहीं 500 रुपया रोज और मुफ्त में ही बिरयानी मिल जाती है। काम धाम कुछ नहीं 500 रुपया और मुफ्त में ही बिरयानी मिल जाती। एक आखिरी छंद पढ़ के अपनी जगह लेता हूँ। सुनिएगा, पिछले दिनों एक फिल्म आई छपाक, बहुत अच्छी फिल्म है। एक एसिड अटैक की पीड़िता लक्ष्मी पे ये फिल्म बनाई गई है। मैं ये कहता हूँ कि सभी को देखना चाहिए। दीपिका पादुकोण एक अभिनेत्री होती है, उस पे ये फिल्म फिल्माया गया है, उस पे ये सारा दृश्य इस फिल्म के शूट किए गए हैं। बहुत अच्छी फिल्म है, मैं उस फिल्म की सराहना करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग उस फिल्म को देखें। एक छोटा सा कांड हुआ, दीपिका पादुकोण से एक छोटी सी गलती हो गई। वो फिल्म का प्रमोशन करने के लिए उन लोगों के साथ जाके खड़ी हो गई जो हिंदुस्तान को तोड़ने के नारे लगाते हैं, जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे लोगों के सामने जाकर बीच में खड़ी हो गई जिन्होंने विवेकानंद को हिंदुस्तान का हर युवा अपना आदर्श मानता है। ऐसे लोगों के साथ वो जाके खड़ी हो गई जिन्होंने विवेकानंद की प्रतिमा को तोड़ा, खंडित कर दिया। तो मैंने एक छंद लिखने का प्रयास किया। सुनिएगा, जब ये जेएनयू में जाकर के अपने फिल्म छपाक का प्रमोशन कर रही थी, उसी दौरान निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में। एक निर्भया नाम की लड़की का कुछ बिगड़ैल दरिंदों ने उसके साथ दुराचार किया और उसके शरीर को छत बिछत कर दिया। उसके निर्भया कांड के आरोपियों को सजा सुनाई गई। तब मैंने इन दोनों बातों को जोड़ते हुए एक छंद लिखने का प्रयास किया, वो मैं आपको समर्पित करता हूं और आखिरी छंद पढ़ करके अपना स्थान लेता हूं। सुनिएगा कि फिल्म का प्रमोशन जरूरी था ये मानता हूं, लक्ष्मी के साथ ही समर गई होती तुम। फिल्म का प्रमोशन जरूरी था ये मानता हूं, लक्ष्मी के साथ ही समर गई होती तुम। प्रतिमा विवेकानंद की जिन्होंने तोड़ डाली उनके बीच जाने से मुकर गई होती तुम। प्रतिमा विवेकानंद